नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है नए फ्रेश एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं क्रेडिट स्कोर क्यों आपका अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आप कहीं से भी लोन ले सकते हो, कोई भी बैंक से, कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको कभी भी लोन लेना है। क्रेडिट स्कोर की गिनती जो होती है वो 300 से शुरू होती है और 900 तक के अंदर होती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है, यानी 750 से ऊपर है, तो ठीक है, आपको आराम से लोन मिल जाएगा। अगर आपका 750 के नीचे है तो आपको लोन मिलने के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैं आज इस वीडियो में ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपके क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर हैं तो आपको पता है क्या करना है। और भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे विद परफेक्ट सोल्यूशन। आ जाते इस वीडियो की और यहाँ बात करने वाले क्रेडिट स्कोर के बारे में, कैसे मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपके जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक और चीज, अगर आप कभी भी किसी एजेंट से बात करोगे या गूगल पे भी सर्च करोगे तो वो लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं कैसे बताऊंगा आपको गलत इन्फॉर्मेशन, आप कभी भी किसी भी एजेंट से बात कीजिए, बहुत सारे जो चीजें हैं वो बहुत गलत बताते हैं। आपको क्रेडिट स्कोर उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पर मैं इस जो वीडियो में बता रहा हूँ इस चीज को फॉलो कर लीजिए और आपका क्रेडिट स्कोर गारंटी बोल रहा हूँ स्कोर अच्छा खासा हो जाएगा। ये मैंने खुद पर्सनली यूज किया और आप मेरा खुद देख सकते हो मेरा कितना क्रेडिट स्कोर है। तो मैं यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड किया नहीं, तो आप देख सकते हो मेरा नाम है और यहाँ पे मेरा क्रेडिट स्कोर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो जेन्युइनली बोला जाए तो मैंने ट्राई किया, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और ये जो क्रेडिट स्कोर है मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था, यानी कि मैंने बहुत टाइम का मेहनत किया तब जाके इतना अच्छा क्रेडिट स्कोर हुआ है। क्या 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 किया मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मैं यही बताना चाहता हूँ, क्रेडिट स्कोर की जो गिनती होती है वो 300 से 900 तक होती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। 750 से ज़्यादा है आपका तो सोने पे सुहागा, यानी आराम से लोन मिल जाता है। अब देखिए, लोन का बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कभी भी जब मुसीबत बढ़ती है तो लोन लेना पड़ जाता है। पर अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होगा ना, तो फिर आपको अपने रिलेटिव्स या दोस्तों से आपकी मदद मांगनी पड़ेगी, या उनके क्रेडिट कार्ड ले लो, या उनकी मदद से आप पर्सनल लोन लोगे। तो इसलिए क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो आप खुद पर्सनली आप अप्लाई कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के लिए, या आप किसी तरह का भी थर्ड पार्टी लोन भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आप चेक कैसे करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चेक करने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, जैसे आपको बैंक बाजार है, पॉलिसी बाजार है, बट मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप अपना नंबर और पैन कार्ड दोगे तो आपके डिटेल्स जो है, यानी जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली हो जाएगा, यानी आपको कॉल्स आने लग जाएंगे, सर ये पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी ले लो। तो पर्सनली मैंने इस ऐप से कोई पैसे वैसे नहीं लिए, पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपको ये ऐप जो है रिकमेंड कर रहा हूँ। प्ले स्टोर से इसे आपको डाउनलोड करना है, दैट्स इट। उसके बाद जस्ट नॉर्मल सा लॉग इन है, फोन नंबर और छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन तो देने पड़ते हैं हर ऐप में, बट ये आपको सेफ्टी पर्पज बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे अच्छे खासे से ट्रैक कर सकते हो आपका कितना है, और आप देख सकते हो मेरा कितना है आपके सामने, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को ध्यान से सुनिए, मैं कोई भी बात को रिपीट नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं सबसे पहला जो टिप देने वाला हूँ, जो बहुत लोग कभी आपको नहीं बताएंगे, वो है आप अपना जब भी आप एक लोन के लिए अप्लाई करते हो, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, आपने जो पेमेंट का ड्यूरेशन है, यानी कि जब बोलते हो कि ईएमआई बोलते हैं जिसे, उसे आप जितना आप कम कर सकते हो उतना आप कम कीजिए। जैसे आप गूगल कर लीजिए, किसी एजेंट से पूछिए, वो बोलेंगे यार जितना आप पेमेंट टाइमली, मतलब ड्यूरेशन ऑफ पीरियड आपका जो पेमेंट ज़्यादा रहेगा तो आपका हेल्दी क्रेडिट स्कोर बनेगा। बट ये गलत है, आप खुद नोटिस कीजिए, अगर आप किसी भी एक लोन अमाउंट को ज़्यादा टाइम तक आप भरने के लिए कोशिश करोगे तो आप एक लोन अमाउंट से बहुत ज़्यादा उसे पैसे दोगे। अगर आप 3 महीना स्टार्टिंग जो भी होता है लोन महीना, वो 3 महीने से शुरू होता है और 36 मंथ तक होता है, कोई भी बैंक इतना ही आपको ऑप्शन देता है कोई छोटे मोटे अमाउंट पे। तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर 3 महीने में आप भर सकते हो, या 6 महीने में, या 9 महीने में भर सकते हो, उसे अगर आप जानबूझ के 24 महीने पे करोगे तो आप जेन्युइनली आप खुद कैलकुलेट करके देखो, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करोगे उसके ऊपर, क्योंकि जो आपका जो हर छोटे छोटे अमाउंट लेके वो बहुत ज़्यादा वो इनकम जनरेट करते हैं, यही बैंक वाले या क्रेडिट्स जो भी हैं वो यही तरह से इनकम जनरेट करते हैं। बट अगर आप ज़्यादा ही पैसा देना है आपको तो आप इंटरेस्ट के तौर पर उनको दे रहे हो, बेटर है कि आप अपना ड्यूरेशन ऑफ मंथ जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना आप शॉर्ट कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए कि मैंने 1 लाख रुपये का लोन लिया है, अब मैं उसे भरने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे 6 महीने मिलते हैं मुझे, 12 महीने मिलते हैं, 18 महीने मिलते हैं, 24 महीने मिलते हैं।
अगर एजेंट की तरह से आप सोचोगे तो एजेंट आपको बोलेगा सर आप 24 महीने में भर लीजिए, आपका इससे क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप जितना महीने भी भरो आपका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्रेडिट स्कोर पे। यस, अगर आप उसी चीज को 6 महीने में आप क्लियर कर सकते हो, यानी 1 लाख का लोन अगर मैं 6 महीने में क्लियर करूंगा तो मुझे 1 लाख से कुछ ही परसेंट इंटरेस्ट देने पड़ जाएंगे। अगर मैं 12 महीने या 24 महीने का ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लूंगा तो मैं इतना गारंटी हूं 1 लाख से बहुत ज्यादा पेमेंट करूंगा, यानी 2 या 3 टाइम्स मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा अगर मैं 24 महीने तक मैं यूज करूंगा। तो इसलिए जो मेरा पहला टिप है वही है कि आप अपने पेमेंट को ड्यूरेशन हमेशा शॉर्ट रखिए, यानी कि ईएमआई का जो मंथ है यानी जो पेमेंट है, आप जितने साल का आप टेन्योर ले रहे हो जितना आप अपने हिसाब से कम करवा सकते हो उतना ही कम करवा दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इंटरेस्ट तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस बाउंस ऑफ चेक आपके बहुत कम चांसेस होंगे। जहां पर अगर आप ज्यादा महीने तक लोगे यानी 15 साल 14 साल के भी इंटरेस्ट चलते रहते हैं उन समय केसेस ज्यादा होते हैं कि बाउंस ऑफ चेक ज्यादा हो सकता है। पर अगर आपका महीना ही कम होगा तो आपको याद रहेगा यार 6 महीने में क्लियर करना है, इतना अमाउंट है मैं क्लियर कर सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे 2 चीज याद रखना है, आपकी इनकम से ज्यादा आप ईएमआई मत ले लेना, अपने इनकम से थोड़ा कमी में ईएमआई लेना क्योंकि घर में भी आपको कुछ यूज करने पड़ेंगे मनी। तो बेटर है आप एक अपने हिसाब से जो भी आपको पड़ रहा है उतना ही आप ईएमआई सेलेक्ट कीजिए, बट ड्यूरेशन ऑफ मंथ यानी कि जो आप पेमेंट होता है वो ज्यादा से ज्यादा मत रखिएगा, यही मेरा पहला टिप है। सेकेंड टिप आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह प्रॉपरली अपलोड नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में आपने उस पहले टाइम पर अपना अकाउंट खोला तो आधार कार्ड फोन नंबर से खुल चुका होगा, बट आप जब क्रेडिट कार्ड लिए हो तो आपने पैन कार्ड दिया बट वो बैंक अकाउंट में अटैच नहीं हुआ होगा। तो बेटर है आप बैंक में जाओ अपना पैन कार्ड अपडेट कराओ, यानी पैन कार्ड और आपके फोन नंबर से क्रेडिट स्कोर की जो होती है गिनती शुरू होती है। तो पैन कार्ड मस्ट होना चाहिए आपके हर डॉक्यूमेंट्स में, किसी तरह के भी आप कहीं पे भी जा रहे हो आपका फोन नंबर भी अटैच होना चाहिए आपके पैन कार्ड में। नंबर आप कहीं पे भी अप्लाई करो आपका पैन कार्ड सबसे पहले सामने आना चाहिए। तो पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रेडिट स्कोर जल्दी रिपोर्ट दिखाने के लिए। अब आ जाते हैं हम तीसरे के लिए, वो है बाउंस चेक मत कीजिए यार। 1 या 2 बार हो गया तो ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा बाउंस चेक रोकने की कोशिश कीजिए क्योंकि बाउंस चेक होने से ही क्रेडिट वाले पैसे कमाएंगे। वो इसी चीज का वेट करते हैं कि आपका चेक बाउंस हो और उस पर वो जबरदस्ती इंटरेस्ट लगाए जो अननेसेसरी इंटरेस्ट लगे रहेंगे और आपसे वो पैसे वसूल करेंगे। तो बाउंस चेक जितना आप कोशिश कर सकते हो यानी कोशिश कीजिए। बाउंस चेक का मतलब होता है आप एक ईएमआई भरने में चूक गए, जैसे अगर हर महीने 5 तारीख को पैसे कटते हैं और आप उस दिन आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा और आपने पेमेंट नहीं किया, 1 रुपए 2 रुपए से भी बाउंस चेक हो जाता है। तो इसलिए आप जितना अमाउंट है जो भी चिल्लर अमाउंट भी होता है ना जैसे 0.40 पैसा जितना भी होता है वो पूरा अमाउंट आप अपने अकाउंट में रखिएगा क्योंकि कटने के बाद वो कट गया तो ठीक है, अगर नहीं कटा बाउंस चेक हो गया तो 499 का फटका तो अलग से पड़ेगा ही पड़ेगा और बैंक वाले अलग इंटरेस्ट लगा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले तो इसी चीज का वेट करते हैं कि आपका चेक बाउंस हो या ईएमआई आप मत करो तो आप देखो कैसे होते हैं। तो बेटर है कि आप जो है चेक बाउंस मत कीजिए, कोई भी ईएमआई वाले ऑप्शन जो भी आपने क्रेडिट कार्ड में कोई ईएमआई चॉइस किया होता है उसमें आप चेक बाउंस होने के चांसेस ज्यादा नहीं होते क्योंकि वो तो आपको खुद ही पेमेंट करना होता है। बट अगर इनकेस आप बैंक से कोई लोन लेते तो वहां पे जो ईएमआई होते हैं उसे आप ऑटोमेटिक डिडक्ट होते हैं। तो इसलिए आप अपने अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखिए कि वो कटने के बाद कुछ अमाउंट लेफ्ट रहे आपके अकाउंट में। उसके बाद आते थे हम अपने थर्ड टिप के, वो है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को ट्रैक कीजिए। तो देखिए ट्रैक करने के लिए तो मैंने पहले ऐप को रिकमेंड कर दिया, वो इंस्टॉल कर लीजिए और आप यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हो उस ऐप से, बहुत कुछ आप कर सकते हो एक बार इंस्टॉल करके देख लीजिए। तो 90 डेज में आप अपना हमेशा क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, कैसा है, कितना है, आप एक बार चेक करते रहिए, हेल्दी रिपोर्ट आते रहेगा। प्लस आ जाते हैं हम अपने आगे के टिप्स की ओर, वो है आप ऑथराइज डीलर यानी ऑथराइज बैंक या ऑथराइज ऐप या थर्ड पार्टी जो भी प्लेटफॉर्म है आप वहीं से लोन लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लोन लेने जा रहे हो, आप बजाज फाइनेंस से भी आप लोगे या आप दूसरी और कोई दूसरा डीलर है जो मतलब उतना ऑथराइज नहीं है वहाँ पे आप अपना बजाज फाइनेंस या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो उससे आपका क्रेडिट स्कोर उतना नहीं रिपोर्ट शो करेगा जहाँ पर आप ऑथराइज डीलर से या ऑथराइज शॉपर या किसी भी तरह का बैंक से या किसी तरह का भी आप क्रेडिट इसे लोगे ना वहाँ पर आपके जो क्रेडिट स्कोर पे उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप कभी भी किसी तरह का भी परचेज कर रहे हो यानी अगर आपको नहीं मिल रहा तो ठीक है, अगर आपको मिल रहा है तो आप ऑथराइज जगह पे ही उसे यूज कीजिएगा तो उससे आपका हेल्दी रिपोर्ट मिलेगा कि आप एक ऑथराइज बंदे से आपने सामान को खरीदा है। अब आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड वालों के लिए। देखिए ये तो जो भी था ये सब बैंक वालों के लिए था, क्रेडिट कार्ड के लिए भी छोटा सा पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया यूज कर लिया तो आपको याद होगा अगर आपके पास 2 से 3 क्रेडिट कार्ड है तो आपको जो पेमेंट का जो ड्यूरेशन होता है आपको 20 दिन का मिलता है। तो याद रखिए अगर आपके पास 2 कार्ड है तो आपका कोई ना कोई 20 दिन में एक डेट
मैच हो रहा होगा, पक्का गारंटी कि आपका एक डेट तो मैच हो ही रहा होगा। उस डेट पे आप कैलेंडर में एक दिन पहले इवेंट क्रिएट कर दीजिएगा हर साल के लिए। उस दिन आपको जैसे ही आप एक डेट आएगा आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहां पर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्रेडिट कार्ड का पेमेंट प्लीज कीजिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग जाता है, सही बता रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो इसलिए बेटर है कि आप इंटरेस्ट जल्दी से जल्दी क्लियर मत करके, मतलब इंटरेस्ट के चक्कर में मत आइए, सबसे पहले आप पेमेंट ही क्लियर कर दीजिए। अगर आपके दो तीन क्रेडिट कार्ड है तो एक डेट फिक्स कर लीजिए कि जब आप सबका पेमेंट, एक दिन तो मैच हो ही रहा होगा, उस दिन आप कैलेंडर में इवेंट क्रिएट कर दीजिएगा और वहां पे आके पेमेंट क्लियर कर दीजिएगा। अब यहां पे दो चीज होते हैं, एक होता है कि मिनिमम ड्यू, एक होता है टोटल आउटस्टैंडिंग। अगर आपने ज्यादा यूज कर लिया, टोटल आउटस्टैंडिंग आप नहीं भर पाए हो, तो आप मिनिमम ड्यू तो क्लियर कीजिए कीजिए। अगर आप मिनिमम ड्यू भी करोगे ना तो उतना उस परसेंट पैसे पे आप इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो आपने नहीं भरा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो बेटर आप मिनिमम ड्यू क्लियर कर दीजिए। अगर आप मिनिमम ड्यू भी नहीं भरोगे ना यार भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पड़ जाएगा। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, 1000-2000 रुपये पड़ सकता है, हर बैंक का अलग अलग होता है, बट मिनिमम 1000 रुपये तो पड़ेगा। तो बेटर है मिनिमम ड्यू तो क्लियर कर दीजिएगा अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हो। तो यही थे कुछ टिप्स, बेसिक टिप्स जो मैंने आपको शेयर किया है, और प्लीज एक एक टिप्स को अच्छे से सुन लीजिए, अगर आपको समझ में फिर से देख लीजिए, और अगर यहां तक देख लिया तो आपको पता है क्या करना है, कर दीजिए यार। अगर प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, कोई और प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट आपके सामने ही है, उसका और भी सोल्यूशन है, नहीं तो कमेंट में पूछ दीजिए, मैं आपको शायद लिंक भेज दूँ, या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।